हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कि कैसे हम लेजर्स को क्रिएट करते हैं। टैली ईआरपी 9 में और टैली प्राइम में क्या डिफरेंट है ये हम जानेंगे आज टैली प्राइम के अंदर में, और गो टू का क्या ऑप्शंस का उसका क्या काम है कि आप गो टू में जाके क्या क्या चेक कर सकते हो। तो टैली प्राइम का ये लेआउट है, टैली प्राइम का ये पूरा लेआउट आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे ऑल्ट के से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो, ऑल्ट के कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो या माउस से भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिएट का ऑप्शन है, कंपनी क्रिएट का। शट करना है तो कंट्रोल F3, देन अगर आपको कंपनी सिलेक्ट करना है तो ऑल्ट F3 का आप यूज़ कर सकते हो। चेंज करना, अगर कंपनी को चेंज करना है तो F3 से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा चेंजेस हुआ है टैली प्राइम के अंदर। अगर आपको बैकअप, अगर टैली डेटा को आपको बैकअप रखना है तो ऑल्ट वाई प्रेस करके आप डेटा में जाके यहाँ पे बैकअप रिस्टोर एंड स्प्लिट आपको मिल जाएगा। ओके, देन आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लेजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे टैली प्राइम में या कंपनी क्रिएट करेंगे। देन मास्टर्स में, यहाँ पे देख रहे हैं आप GOT के अंदर मास्टर्स है, इसमें क्रिएट में जाना है और आपको देख रहे हैं यहाँ पे लेजर्स दिखाई दे रहा है, अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर लेजर। तो आपको लेजर्स में जाकर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना शेयर कैपिटल ऑलवेज कैपिटल अकाउंट के अंदर में आता है। ओके, अगर आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप ऑल्ट सी का यूज करके आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद स्टेट वेस्ट बंगाल, कंट्री, पिन कोड, ये सारा चीज यहाँ पे देने के बाद देन इंटर आपको सेव करना है। तो गाइज आप देख रहे हो कि लेजर्स कैसे क्रिएट हो रहा है टैली प्राइम के अंदर। GOT, देन थोड़ा आस्ते मैडम, GOT, देन क्रिएट, देन लेजर्स में जाके आपको यहाँ पे काम करना है। ओके, जैसे एक हम लोग शेयर कैपिटल का लेजर बनाए, सपोज दूसरा है सुभाद्रा ट्रेडिंग का लेजर बनाना है तो नेम में लिखना है सुभाद्रा ट्रेडिंग, देन अंडर संडी क्रिएटर। अगर आप किसी पार्टी से परचेस करते हो तो वो संडी क्रिएटर के अंदर आता है। अगर यहाँ पे ग्रुप्स नहीं लिखा हुआ है तो आप क्रिएट में जाके भी आप बना सकते हो उसको। तो संडी क्रिएटर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। देन मेंटेन बैलेंस बाय बिल यस होगा, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी से अगर गुड्स परचेस करते हो तो वो बिल आपको प्रोवाइड करेगा, तब आपको यहाँ पे यस करना है। और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो दुकानदार है वो हमारा रिलेशनशिप का होता है या दोस्त होता है हमारा, तो वो हमें बोलते हैं कि भैया इतना अगर पैसा नहीं है तो आप 10 दिन के बाद दे देना, 5 दिन के बाद दे देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो हम यहाँ पे 5 डे लिख देंगे। सपोज मान लीजिए दुकानदार ने मुझे बोला है कि 5 डेज के अंदर आपको पैसा लौटा देना है, तो आप यहाँ पे 5 डेज लिख सकते हैं। देन आप यहाँ पे अमाउंट दीजिए, सपोज 5000 का मैंने गुड्स परचेस किया है, और सुभाद्रा ट्रेडिंग अंडर संडी क्रेडिटर होता है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है। यहाँ पे डेट जिस दिन आप गुड्स परचेस किए हो, ठीक है, यहाँ पे बिल नंबर देना जरूरी है। बिल नंबर देके 5000 का आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा बिल रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बिल वाइज डिटेल्स कैसे हमने मेंटेन किया है। ओके, तो लेजर्स इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स में जाके। अगर सपोज ग्रुप क्रिएट करना है, सपोज मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ग्रुप्स नहीं बना हुआ है, तो यह आप क्रिएट में जाके या फिर ऑल्ट सी यूज करके आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लेजर बना सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलवेज करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि कैसे हमने ग्रुप्स को क्रिएट किया ऑल्ट सी यूज करके। देन आप यहाँ पे अमाउंट देके उस डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेजर्स क्रिएट हो गया। स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना होगा तो ये कैसे होगा,
टैली प्राइम के अंदर सेम प्रोसेस है, आपको मास्टर्स का क्रिएट में जाना है, देन इन्वेंट्री मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स का स्टॉक आइटम में जाके, स्टॉक आइटम में जाके यहाँ पे क्रिएट करना है। सपोज मान लीजिए पैन 40 एक मेडिसिन है, आपको इसको मेडिसिन ग्रुप में रखना है, तो ऑल्ट सी करके आप यहाँ पे मेडिसिन ग्रुप बना सकते हैं। ओके, यूनिट्स आप पीसेस में ले रहे हैं कि बॉक्सेस में ले रहे हैं कि नंबर्स में ले रहे हैं, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे देना जरूरी है। देख रहे हैं टैली ईआरपी 9 में भी ये यूनिट क्वांटिटी कोड का फीचर्स था और टैली प्राइम में भी ये फीचर्स था। ओके, तो गाइस आप सीख गए कि स्टॉक आइटम्स को कैसे क्रिएट करना है, लेजर्स कैसे क्रिएट करना है, ओके, गोडाउन कैसे क्रिएट करना है। सपोज अगर आपको एडिट या मॉडिफाई करना है, अगर आप कुछ ऐसा लेजर्स जो लेजर्स बनाए हैं उसमें कुछ एरर हो गया है, अगर उसको करेक्शन करना है, तो आपको क्या करना होगा, जीओटी में आने के बाद ऑल्टर में जाना है, देन सिलेक्ट लेजर, देन देखिए यहाँ पे जो जो लेजर्स आपने बनाए हैं यहाँ पे शो कर रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो लेजर्स पहले से टैली में बना होता है, आपको ये लेजर्स क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर शेयर कैपिटल में हमसे कुछ भूल हो गया है, तो हम यहाँ पे ऑल्टर्स में आके इसको करेक्शन कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने अमाउंट देना भूल गया है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट देके सेव कर सकता हूँ, तो ऑल्टर में जाके यहाँ पे आप इसको ठीक करते हैं। स्टॉक आइटम का भी सेम प्रोसेस है, जीओटी ऑल्टर देन स्टॉक आइटम्स, देन आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको सीखना है वाउचर्स। टैली प्राइम में देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वाउचर्स, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, देख रहे हैं क्या बटन बार या टूल बार में यहाँ पे सारा वाउचर शो हो रहा है। ओके, देन आपको सपोज मान लीजिए कि एक एंट्री है कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये जो एंट्री है ये किस वाउचर्स में पास होगा, कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा का शॉर्टकट की क्या है, F4, आप इसको F4 यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा में देख रहे हैं कि पहले क्रेडिट शो हो रहा है, तो पहले हमारा क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक, तो बैंक का हमको लेजर बनाना होगा, तो बैंक ऑल्ट सी यूज करके आप लेजर्स को बना सकते हैं, और बैंक ऑलवेज बैंक अकाउंट के अंदर में आता है। ओके, यहाँ पे अमाउंट दे दीजिए, यहाँ पे चेक नंबर देना जरूरी है, और डेबिट क्या हो रहा है, कैश, कैश का लेजर हम बनाए नहीं, कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है। अब आपको यहाँ पे नरेशन लिख के बींग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक इंटर सेव कर सकते हैं। तो ऐसे आप कॉन्ट्रा वाउचर्स का एंट्री पास कर सकते हैं। सपोज आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेड कर रहे हो, तो पेड कैसे करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर। सपोज सैलरी आपको पे करना है, तो सबसे पहले सैलरी का लेजर बनाना होगा, सैलरी ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आता है। ओके, देन इंटर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज 50,000 आप सैलरी दे रहे हैं बैंक के माध्यम से, तो बैंक यहाँ पे चूज करना है, चेक नंबर यहाँ पे देना है, देन नरेशन बीइंग पेड सैलरी, देन इंटर सेव। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा टैली ईआरपी 9 का कॉन्सेप्ट था, टैली प्राइम में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा कलर्स और लेआउट चेंजेस है और कुछ नहीं। सपोज मान लीजिए कि आपको पेमेंट वाउचर से आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाना है, तो आप ऑल्ट जी गो टू का यूज कर सकते हैं, गो टू में जाके आप यहां से डायरेक्ट बैलेंस शीट पे रिपोर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। ओके, बट टैली ईआरपी 9 में ये ऐसा फैसिलिटी नहीं था, हमको स्केप करके जाना पड़ता था बैलेंस शीट में। ओके, देन आप स्केप करके फिर जो आप काम कर रहे थे, जो आप अकाउंटिंग वाउचर्स पास कर सकते हैं, आप स्केप करके आ सकते हैं। ओके, तो ये टैली प्राइम ने बहुत अच्छा फीचर्स दिया है हम लोगों को। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स में हम दो तरह से एंट्री पास करते थे, एक सिंगल एंट्री और एक सिंगल एंट्री सिस्टम, और एक था आपका डबल एंट्री सिस्टम जिसमें DR and CR यूज करते थे। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम है DR and CR का। सिंगल में आपको पास करने के लिए टैली प्राइम के अंदर Ctrl+H आपको यूज करना होता है, Ctrl+H यूज करके आप सिंगल एंट्री यूज यहाँ पे कर सकते हैं।
ओके एक्टिवेट करना होगा। अगर आपको डबल एंट्री यूज करना है तो कंट्रोल एच करके देन आप डबल एंट्री में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है टैली प्राइम के अंदर। ओके अगर आपको सारा वाउचर्स देखना है, सारा ट्रांजेक्शन्स देखना है, तो डे बुक में जाके आप चेक कर सकते हो। ओके तो टैली प्राइम का ये सारा चीज़ था। तो टैली प्राइम बहुत ही अच्छा लग रहा है करके, और टैली ERP 9 से तो बहुत ही इजी है, अपडेटेड वर्शन है टैली प्राइम 1.0, तो बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। जो लोग टैली ERP 9 को यूज़ कर चुके हैं वो इजीली टैली प्राइम भी यूज़ कर लेंगे। ओके सो आज हम लोग सीखे वाउचर पास करना, ऑल्टर करना लेजर्स को, वाउचर्स को, स्टॉक आइटम्स को, गोडाउन को आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। क्रिएट करना होगा लेजर्स तो आप यहाँ लेजर्स में आके क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग मास्टर्स में आके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके ये सारा बहुत ऑप्शन अच्छा आया है। एक्सपोर्ट भी अगर आपको करना है तो ऑल्ट टी जैसे टैली ERP 9 में था, ऑल्ट एम मेल करना है तो, प्रिंट भी करना है तो ऑल्ट पी, ये सारा जैसे टैली ERP 9 में था टैली प्राइम में भी वैसा ही है। टैली प्राइम में एक बेहतरीन जो फीचर्स है गो टू ऑल्ट प्लस जी, आप ऑल्ट जी यूज़ करके आप किसी भी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। आप कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं, अगर सपोज आपको चेक करना है कि बैलेंस कितना है मेरा डे बुक में या कितना वाउचर्स पास किए हैं, तो आप डे बुक में जाके इजीली आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स आया है टैली प्राइम में, और होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।